आज हम दोस्तों इस वीडियो में बताएंगे कि दीपावली 2022 में कब है, दीपावली क्यों मनाया जाता है और दीपावली कैसे मनाएं। साथ ही हम दोस्तों ये भी बताएंगे कि दीपावली के दिन कौन सा गलती नहीं करना चाहिए। अगर आप एक भी गलती करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास नहीं करेगी। अब दोस्तों जानते हैं दीपावली क्यों, कब और कैसे मनाई जाती है। इस दिन भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण 14 वर्ष का वनवास पूरा करके अपने घर अयोध्या लौट रहे थे। इतने सालों बाद घर लौटने की खुशी में सभी अयोध्या वासियों ने दीप जलाकर उनका स्वागत किया था। तभी से दीपों के त्यौहार दीपावली मनाया जाने लगा। यह त्यौहार कार्तिक मास की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या की अंधेरी रात जगमग और संख्या दीपों से जगमगाने लगती है। यह त्यौहार लगभग सभी धर्म के लोग मनाते हैं। इस दिन देवी लक्ष्मी की पूजा की जाती है, इसलिए इनके आगमन और स्वागत के लिए घरों को सजाया जाता है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं दीपावली की शुभ मुहूर्त कब है। इस बार 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर दोनों ही दिन अमावस्या तिथि पर रही है, लेकिन 25 अक्टूबर को अमावस्या तिथि प्रादोष काल से पहले ही समाप्त हो रही है। 24 अक्टूबर को प्रादोष काल में अमावस्या तिथि होगी, उस दिन निश्चित काल में भी अमावस्या तिथि रहेगी, इसलिए 24 अक्टूबर को ही पूरे देश में दीपावली मनाई जाएगी। 23 अक्टूबर रविवार को त्रयोदशी तिथि शाम 6:04 तक रहेगी, इसके बाद चतुर्थी तिथि शुरू होगी। चतुर्दशी तिथि 24 अक्टूबर सोमवार को शाम 5:28 पर समाप्त होगी और इसके बाद अमावस्या तिथि शुरू हो जाएगी। 25 अक्टूबर मंगलवार को अमावस्या शाम 4:19 तक रहेगी। यह त्यौहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। धनतेरस से भाई दूज तक यह त्यौहार चलता है। धनतेरस के दिन व्यापार अपने नए खाते बनाते हैं। अगले दिन नरक चौदस के दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करना अच्छा माना जाता है। अमावस्या यानी कि दीपावली का मुख्य दिन, इस दिन लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। दीपावली का त्यौहार सभी के जीवन को खुशी प्रदान करता है, नया जीवन जीने का उत्साह प्रदान करता है। कुछ लोग इस दिन जुआ खेलते हैं, जो घर या समाज के लिए बड़ी बुरी बात है। हमें जुआ नहीं खेलना चाहिए, हमें इस बुराई से बचना चाहिए। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। इसी तरह से एक वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना।